सिंस इस क्वेश्चन में गिवन है कि हम लोग के पास दो वेक्टर है, तो हम लोग एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस और ये हम लोग के पास एक वाई एक्सिस हो जाएगा। सिंस अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग क्वेश्चन चले तो एक ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3, जो एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, जबकि एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर जिसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल है वो है 110 डिग्री। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री है। तो अगर हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करें तो वो जाएगा √3² + 4² + 2ab cos θ। अगर करेंगे तो cos 90 की वजह से वो 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5 यूनिट। अब अगर हम लोग इसके एंगल की बात करें तो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से गया होगा। तो हम लोग इस रिजल्टेंट r वेक्टर का एंगल फाइंड कर लेंगे a वेक्टर के साथ, से मान लेते हैं एंगल है अल्फा। सो अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करें तो हम लोग को मिलेगा कि tan अल्फा इक्वल्स टू, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 था तो हम लोग को tan अल्फा मिल जाएगा कितना, 4/3। तो यहाँ से हम लोग अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 53 डिग्री। तो इसका मतलब कि जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड तो होगा कितना, 5 यूनिट एट 73 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थैंक यू। सिंस हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पर दो वेक्टर दिए गए हैं, फिर से हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक एक्सिस है वाई एक्सिस और एक एक्सिस है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिवन है हम लोग को, यहाँ पर दो वेक्टर गिवन है। तो ये एक वेक्टर जो है ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड भी 10 है जो एक्स एक्सिस का 30 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है, और एक और वेक्टर है बी वेक्टर और उसका भी मैग्नीट्यूड 10 ही है, 10 यूनिट दोनों का मैग्नीट्यूड है। अब ये एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहे हैं, तो ए और बी के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो अगर हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करें तो आ जाएगा 10² + 10² + 2 × 10 × 10 cos 30 डिग्री। यह हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हम लोग को पता है कि अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है 2a cos θ/2। तो सिंस यहाँ मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 10, एंगल है 30 डिग्री, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे तो वो हो जाएगा cos 15 डिग्री। तो ये आंसर रिजल्टेंट का वैल्यू जाएगा कितना, 20 cos 15 डिग्री। और अगर दो वेक्टर का रिजल्ट मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट उनके बीच से जाता है और वो उन दोनों वेक्टर से इक्वल एंगल क्रिएट करता है, मतलब ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। सो हम लोग का आंसर हो जाएगा क्या कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 20 cos 15 डिग्री एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस विथ। सिंस इस क्वेश्चन में हम लोग को 3 वेक्टर ड्रॉ करने को दिया हुआ है, हमारे पास 3 वेक्टर हैं जिन सभी का मैग्नीट्यूड जो बिल्कुल इक्वल है। सो हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दोबारा ड्रॉ करेंगे। ये हम लोग के पास हो गया एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब 3 वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो 100 दिया हुआ है। जो पहला वेक्टर ए वेक्टर है वो ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में गिवन है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 100, तो ये मैग्नीट्यूड 100 हो गया। अब ये एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और एक और जो वेक्टर है बी वेक्टर वो एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल पर है, इसका भी जो मैग्नीट्यूड है वो तो 100 ही है। तो ये जो एंगल क्रिएट कर रहा है ये एंगल है 135 डिग्री, मतलब ये जो एंगल होगा ए और बी के बीच में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब एक और वेक्टर है सी वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ 305 डिग्री बना रहा है, मतलब 305 डिग्री का एंगल वो क्रिएट कर रहा है। अब अगर ये 305 डिग्री हुआ तो ये इस साइड वाला जो एंगल होगा वो तो 45 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 45 है। सो ये दोनों जो वेक्टर होंगे, वेक्टर सी एंड वेक्टर बी, वो एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट आ जाएंगे,
और सिंस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास केवल एक ही वेक्टर बचा, जो वेक्टर कितना है, ए वेक्टर। तो हमारे पास अगर हम दोबारा इसको ड्रॉ करें तो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो हमारे पास सिर्फ एक वेक्टर बचेगा जो है ए वेक्टर, और वो एक्स एक्सिस साथ एंगल बना रहा हूँ कितना, 45 डिग्री। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा कि 100 यूनिट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा और उसका एंगल होगा 45 डिग्री। थैंक यू। सिंस हम लोगों को इस क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, ए वेक्टर की वैल्यू दी गई है हम लोग को कि ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो है 4i कैप + 3j कैप, एंड बी वेक्टर की भी वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है कि जो बी वेक्टर है वो है 3i कैप + 4j कैप। अब अगर हम लोग ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको क्या लिख लेंगे, √16 + 9, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 यूनिट। ठीक है, बिल्कुल सेम वे में अगर हम लोग बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने की कोशिश करें तो वो भी अब लिख लेंगे 3 का स्क्वायर तो वो 9 हो जाएगा और + 4 का स्क्वायर 16, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट। अब अगले वाले पोर्शन के लिए हम लोग को वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे किसकी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की। अब हम लोग अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैलकुलेट करें तो हम लोग आई कैप में आई कैप वाले टर्म को ऐड करेंगे तो 4 और 3 ऐड होकर कितना आ जाएगा, 7i कैप, और जे को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 7j कैप। तो अगर हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मॉड वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √7 का स्क्वायर कर लेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस नेक्स्ट 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 7√2 यूनिट। तो इस तरीके से हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को कैलकुलेट करें तो फिर से हम लोग ए वेक्टर की पूरी वैल्यूज जो है ये पूरी ए वेक्टर की वैल्यू, इस ए वेक्टर की वैल्यू में से बी वेक्टर की वैल्यू को माइनस करेंगे तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आई कैप, 1 बचेगा केवल, फिर 3 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -j कैप। तो इस तरीके से हम लोग मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू निकाल पाएंगे, वो आ जाएगा √1 + 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा √2 यूनिट। थैंक यू। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों को 3 वेक्टर दिया गया है और उन तीनों वेक्टर का हम लोगों को कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट, कंपोनेंट और एंगल। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो तीनों वेक्टर हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है उन तीनों वेक्टर को एक सेम एक्सिस पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्रिएट कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओ ए वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हम लोग को गिवन है भाई ओ ए, जो इसका मैग्नीट्यूड गिवा हुआ है हम लोग को वो है कितना, 2 मीटर, और ये एंगल क्रिएट कर रहा है कितना, 30 डिग्री। हम लोग साथ ही साथ में इन दोनों वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक करते हुए चलते हैं। तो अब हम लोग को पता है कि भाई अगर कोई भी वेक्टर गिवन हो उसका जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया होता है उसके साथ कॉस आ जाएगा, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका जो कंपोनेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 cos 30 डिग्री। अगर हम इस साइड के अलॉन्ग कंपोनेंट इसका ब्रेक करें तो वो आ जाएगा 2 sin 30। क्लियर। अब सिमिलरली हम लोग अगला वेक्टर ड्रॉ करते हैं। अब हमारे पास अगला वेक्टर दिया हुआ है बी सी वेक्टर। अब जो ये बी सी वेक्टर है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। अब इसकी वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 1.5 मीटर। कौन सा वेक्टर है ये, बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर, इसका कंपोनेंट भी ब्रेक कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इसके कंपोनेंट की बात करें तो इसका कंपोनेंट आएगा 1.5, एंगल एक्स एक्सिस के साथ दिया हुआ है तो यहाँ पर कॉस आ जाएगा, तो 1.5 cos 60। नेक्स्ट अब एक कंपोनेंट वाई के ही लॉन्ग आएगा तो उसका कंपोनेंट ब्रेक करके लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1.5 sin 60। क्लियर है ये बात। अब अगर हम लोग तीसरा वेक्टर ड्रॉ करें तो ये जो तीसरा वेक्टर वो तो हम लोग को सिंपली गिवन ही है। ये जो तीसरा वेक्टर है वो है डी ई वेक्टर। तो डी ई वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये तो वाई के ही अलॉन्ग है और इसकी वैल्यू दे दी गई कितनी, 1 मीटर। अब हम लोग सारे वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक कर चुके हैं तो अब हम लोग तैयार हैं फाइनली रिजल्टेंट लिखने के लिए। तो अब हम लोग एक्स एक्सिस
और वाई एक्सिस को एक बार दोबारा से ड्रॉ करेंगे और सारी वैल्यूज लिखेंगे। अब फिर से दिमाग लगाते हैं हम लोग, कॉस 30 की वैल्यू कितनी, रूट 3/2, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी वो केवल कितनी आ जाएगी, रूट 3, ठीक है। अब कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 1.5 जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 3/2, तो जो इसकी फाइनल वैल्यू आएगी वो आ जाएगा कितना, 3/4, क्लियर। अब साइन 30 जो होता है वो 1/2, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1, फिर प्लस। अब फिर से वही काम, साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 और 1.5 को हम लोग सकते हैं 3/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3√3/4, क्लियर है बात। और जो नीचे की तरफ है हमारे पास वो ऑलरेडी कितना है, 1। अब 1 और 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फिर हम लोग एक बार फाइनल रिजल्टेंट अगर हम लोग ड्रॉ करें तो इसका जो फाइनल रिजल्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा √3 − 3/4, और जो y एक्सिस के अलॉन्ग बचेगा वो केवल होगा 3√3/4, तो ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, क्लियर बात। तो हम लोग का यहाँ तक हम लोग इसको सॉल्व करके पहुँच चुके हैं। अब हम लोग मीटर यूनिट लिख लेते हैं, तो इन सबका जो यूनिट होगा वो मीटर हो जाएगा। तो ये हम लोगों के पास x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट हो गया और ये कंपोनेंट हो गया y एक्सिस के अलॉन्ग, क्लियर। अब हम लोग आते हैं रिजल्टेंट पर। अब हम लोग रिजल्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे सिंस, तो अब हम लोग के पास आर एक्स पता था, आर एक्स मतलब रिजल्टेंट का x के अलॉन्ग कंपोनेंट, तो उसकी वैल्यू 3√3 − 3/4 मीटर आई कैप। y एक्सिस के जो अलॉन्ग कंपोनेंट है वो कंपोनेंट है कितना, 3√3/4 जे कैप। सो अगर हम लोग रिजल्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा कितना, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। इसको रूट में रख के हम लोग सॉल्व करेंगे, √3 − 3/4 प्लस 3√3/4। जब इस पूरे पर्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन हम लोग को मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 1.6 मीटर के इक्वल, क्लियर। अब हम लोग से पूछा गया है एंगल के बारे में, तो एक बार हम लोग दोबारा से x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हम लोग के पास x एक्सिस और y एक्सिस, तो ये है रिजल्टेंट वेक्टर r वेक्टर। दोनों हम कंपोनेंट हम लोग को पता है, जो x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है वो कंपोनेंट है √3 − 3/4, y एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो है 3√3/4। सो हम लोग ये वाला एंगल से मान लेते हैं अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, तो tan अल्फा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो ये y वाला कंपोनेंट हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू, तो वो तो हो जाएगा कितना, 3√3/4 अपॉन, फिर अब हम लोग बेस लिखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है, √3 − 3/4। कैलकुलेट करेंगे जब इसकी पूरी वैल्यू, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा कितना, 1.32। तो यहाँ से हम लोग को अल्फा मिल जाएगा कितना, tan inverse 1.32। थैंक यू। सिंस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो वेक्टर से मान लेते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है हम लोग को कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट एंड बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड हम लोग को गिवन है वो कितना है 4 यूनिट। तो हम लोग से तीन अलग अलग पार्ट में तीन अलग अलग रिजल्टेंट दिया हुआ है कि एक बार जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है 1 यूनिट, एक और है जिसमें रिजल्टेंट की वैल्यू है कितनी 5 यूनिट, और एक अदर क्वेश्चन है जिसमें रिजल्टेंट की जो वैल्यू गिवन है वो है 7 यूनिट। सो हम लोग को पता है कि भाई रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग को पता है कि वो होता है √a² + b² + 2ab cos θ। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि भाई a और b के बीच में कितना एंगल हो कि एक बार हम लोग को रिजल्टेंट कितना मिल जाए 1 यूनिट, तो एंगल कितना होगा, रिजल्टेंट 5 यूनिट हो तो एंगल कितना होगा, रिजल्टेंट 7 यूनिट हो तो एंगल कितना होगा। तो शुरू करते हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो r की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर कर लेंगे रूट गायब हो जाएगा, a का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 ए बी की वैल्यू कितने जाएगी 4 3 12 एंड cos थीटा। तो यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा कि भाई जो cos थीटा है उसकी वैल्यू आ रही है कितनी, -1। क्लियर है बात। अब हम लोग को cos थीटा की जो वैल्यू है वो -1 मिल रही है, सो हम लोग यहाँ से पता चल जाएगा कि थीटा की वैल्यू निश्चित तौर पर तब कितना होगा, पाई या फिर 180। फिर ऐसे हम लोग सिमिलरली सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आर की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो जब हम लोग 5 पुट करेंगे यहाँ पर तो 5 का स्क्वायर तो वो हो जाएगा कितना, 25 इक्वल्स टू 9 प्लस 16 प्लस 2 टाइम्स 12 कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू 0 मिल जाएगी, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि थीटा की वैल्यू जो है वो है पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। फिर सिमिलरली सी पार्ट लेके चलेंगे। अब हम लोग आर की वैल्यू 7 इंट्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ जब हम लोग 7 पुट करेंगे तो स्क्वायर 49 हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे तो हो जाएगा 49 इक्वल्स टू 9 प्लस 16 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 12 कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोगों को कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 1। कॉस थीटा की वैल्यू 1, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। थैंक यू। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्पाई है वो एक सस्पेक्टेड कार की रिपोर्ट करता है, तो स्पाई उस सस्पेक्टेड कार की पोजीशन को बता रहा है, तो हम लोग उसको एक्स वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट कर पाएँ। तो हम लोग एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अब सबसे पहले जो स्पाई है वो ये बताता है कि जो कार है वो 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चल रही है, तो हम लोग एक्स एक्सिस को लॉन्ग ईस्ट मान ले रहे हैं, तो वो एक्स एक्सिस की तरफ 2 किलोमीटर वो कार जो है वो ट्रैवल कर रही है, तो 2 किलोमीटर मतलब कितना हो जाएगा, 2000 मीटर भी लिख सकते हैं इसको। फिर वो अपने लेफ्ट टर्न हो रहा है और लेफ्ट टर्न होकर वो 500 मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो हम लोग ये ट्रैवल कर लिए, इसको लिख दिए इसका कि ये 500 मीटर कार ट्रैवल कर ली। अब फिर वो कार जो है वो परपेंडिकुलर टर्न हो रहा है राइट की तरफ, और राइट की तरफ टर्न होकर वो 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो 4 किलोमीटर हम लोग फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं, और 4 किलोमीटर का मतलब हो जाएगा 4000 मीटर। अब ये हम लोग को बिल्कुल ऑब्वियस क्लियर हो रहा है इस फिगर से, कार 2 टाइम्स ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रही है, तो हम 4000 और 2000 को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 6000 मीटर अलोंग एक्स एंड 500 मीटर अलोंग वाई। तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ड्रॉ करें तो हमको उसका दोनों कंपोनेंट पता है, तो मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डी वेक्टर। तो अगर हम डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट 6000 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर, और इसकी पूरी वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करके सॉल्व करें तो वो हमको वैल्यू मिलेगी 6020 मीटर, 6020 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, 6.02 किलोमीटर। अब मान लेते हैं जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल क्रिएट कर रहा है, तो हम लोग टेन अल्फ़ा लिख सकते हैं वाई वाला कंपोनेंट, जिसका वाई कंपोनेंट है वो है 500 अपॉन 6000। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 अपॉन 12। तो यहाँ से हम लोग अल्फ़ा लिख सकते हैं टैन इनवर्स 1 अपॉन 12, ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू।